हे एवरीवन, दीपांशु कंवल दिस साइड। सो आज हम एक बहुत ही पावरफुल ट्रेनिंग करने वाले हैं जिसका नाम है द अल्टीमेट गाइड टू बिकम हाईली सक्सेसफुल इन बिज गुरुकुल। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अभी काफी टाइम से होंगे बिज गुरुकुल में, एंड कुछ हो सकता है जो कि अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन करे होंगे बिज गुरुकुल में, राइट। सो ये ट्रेनिंग दोनों के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, बिकॉज इस ट्रेनिंग में मैं बिगिनिंग टू एडवांस सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। अगर आप बिगनर हो तो आप बिगनर वाले पॉइंट्स रिकमेंड कर दूंगा, वो वाले आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एडवांस पे आना चाहते हो तो एडवांस वाले स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो। सो ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी इंस्ट्रक्शंस आपको दे दूं, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है। इंस्ट्रक्शन ये है, सबसे पहला पॉइंट दैट इज कि आपको अपने नोट्स और पेन आपको रेडी करने हैं। नोट पैड आप रख सकते हो अपने पास, पेन एंड नोट पैड, सो दैट आप जो भी सेशन में सीखो उन सारी चीज़ों के नोट्स बनाओ। बिकॉज नोट्स से आपको सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको फ्यूचर में कभी भी ट्रेनिंग को रिवाइज करना पड़े तो वापस से आपको इस ट्रेनिंग को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, आप नोट्स से ही गो थ्रू कर सकते हो बहुत ईजिली। प्लस जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक सस्टेन करती है, वो चीज़ याद रहती है, राइट। सेकेंड पॉइंट है, आपको अपने ईयरफोन्स या हेडफोन यूज कर सकते हो, सो दैट आपको मेरी वॉइस अच्छे से आए, बिकॉज इसमें वेबकैम अवेलेबल नहीं हो पाया, मेरे लैपटॉप में अभी कुछ इश्यू था इस वजह से। तो अभी आप वॉइस के थ्रू मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट डिलीवर करने का। एंड थर्ड पॉइंट है, इस ट्रेनिंग को आपको पूरा एंड तक देखना है, बिकॉज हमेशा ये बोला जाता है कि जो भी लोग एंड तक ट्रेनिंग के या कोई भी चीज़ को फिनिश करते हैं सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको मिलता है। बिकॉज आपको एंड में मैं बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स और बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ जिससे आप बहुत अच्छे अच्छे टारगेट्स भी अचीव कर सकते हो, अपनी ड्रीम इनकम भी अचीव कर सकते हो। सो एंड तक देखना सो दैट आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। फोर्थ पॉइंट आता है, दैट इज इम्प्लीमेंट करना है आपको जो भी आप ट्रेनिंग से सीखो, ये सारी चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना है, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले, राइट। बिकॉज ये बोला जाता है 99% एग्जीक्यूशन होता है और 1% स्ट्रैटेजी होती है, राइट। तो अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड एक बहुत अच्छी लाइन है, दैट इज इट्स ऑलवेज सीम्स हार्ड अनटिल इट्स डन। जो भी मैं ट्रेनिंग में बताने वाला हूँ मैं कोशिश करूंगा बहुत सारी चीजें आपको समराइज वे में बताऊँ, सिंपल वे में बताऊँ। तो हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा सा हार्ड लगे अगर आप बिगनर हो तो, एंड एक चीज बोली जाती है अगर आप उसको करने लगोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे उसको रेगुलर बेसिस पे करने लगोगे तो वो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। शुरू में हो सकता है हार्ड लगे, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वो और ईजी होती जाएगी। तो आई होप इंस्ट्रक्शन आपको यहां तक क्लियर हो चुकी है। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, अपने माइंड मैप पे हम चलते हैं। सो गाइज, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन में, जहाँ पे मैंने एक बहुत ही अमेजिंग माइंड मैप क्रिएट करा है जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा सारे पॉइंट्स को समझना, राइट। तो पांच पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा माइंडसेट, कि आपको भी पता है कोई भी चीज़ जब आप स्टार्ट करते हो तो सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है दैट इज़ माइंडसेट। अगर आप उसमें सक्सेसफुल होते हो या नहीं होते तो आपका माइंडसेट की वजह से ये चीज़ होगी। सो आपको माइंडसेट अपना बनाना पड़ेगा, एंड 80% अपना माइंडसेट हेल्प करता है आपको सक्सेसफुल बनने में, 20% आपकी नॉलेज और स्किल्स आपको हेल्प करती है, राइट। सेकेंड चीज पे हम बेसिक स्टेप्स देखेंगे कि क्या क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं। अगर आप एनरोल कर रहे हो, आज कर रहे हो, कभी भी कर रहे हो, तो आपको विद इन 2-3 डेज के अंदर अंदर क्या बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि सबको करने ही होते हैं, राइट। थर्ड में आएंगे हम एडवांस स्टेप्स, कि और क्या क्या बहुत एडवांस लेवल पे जाने के लिए, बहुत अच्छी खासी इनकम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आप ले सकते हो, राइट। वो सारी चीजें हम मैं इस पॉइंट में बताने वाला हूँ। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लानिंग के ऊपर, फोर्थ पॉइंट है, जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा लाइव कि कैसे आपको कोई भी टारगेट अचीव करना है तो उसकी प्लानिंग कैसे की जाती है, एंड पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल भी देने वाला हूँ, एंड उससे आप जो भी टारगेट अपना सोचोगे आप इजिली अचीव भी कर पाओगे, राइट। एंड फिफ्थ पॉइंट दैट इज मेक मनी, जो कि सबका मोटिव होता है कि इनकम करना है। हो सकता है कुछ लोगों का नहीं भी हो, लर्निंग भी हो सकता है, बट मोस्टली लोगों का इनकम करना होता है। बट इसमें मैं आपको और भी तरीके बताने वाला हूँ, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करना चाहते हो स्टिल आप बहुत से अदर सोर्सेज से इनकम कर सकते हो, वो भी मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम बात करेंगे, दैट इज कंसिस्टेंसी। अब ये होता क्या है ये मैं आपको बता दूं,
कंसिस्टेंसी सिंपल एक चीज है कि अगर आप कोई भी चीज को रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, लगातार करे जा रहे हो डेली डेली, तो उस चीज में आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आप इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाते हो, प्लस आपका जो माइंड है उसको एडप्ट कर लेता है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देने पड़ते उसको करने में, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि, और इसके रिजल्ट भी बहुत ज्यादा मैजिकल होते हैं, कंपाउंडिंग रिजल्ट होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, कोई पत्थर है राइट, उस पर आप एक बूंद डालोगे, दो बूंद डालोगे पानी की, तीन बूंद डालोगे, कुछ इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस एक एक बूंद उस पर डेली और एक 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 मिनट पे, एक एक सेकंड पे डालते जाओगे, तो कुछ टाइम बाद उस पत्थर में भी छेद हो जाएगा पानी की बूंद से, राइट? तो जिस पानी की बूंद में कोई जान नहीं है, वो एकदम लिक्विड होती है, स्टिल वो एक सॉलिड चीज को ब्रेक कर देती है। सो ये होती है पावर कंसिस्टेंसी की। तो अगर आपको कोई भी बिजनेस में, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस में या कोई भी करियर में सक्सेसफुल होना है, तो आपको कंसिस्टेंसी एफर्ट डालने पड़ेंगे अपने, कि आप लगातार चाहे फिक्स आवर्स दो, डेली के 2-3 घंटे जो बोले जाते हैं वो आप देने लगो, लेकिन कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे दो, राइट? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड बात करते हैं, दैट इज पेशेंस। पेशेंस की मैं बात बताऊं तो पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस अगर आपको सक्सेसफुल होना है। बिकॉज जनरली मेरे पास बहुत सारे लोगों के लाइक मैसेज आते हैं कि सर हमें 2 दिन हो गया और हमने चीज़ें करने स्टार्ट किया है और हमें रिजल्ट नहीं आ रहे, हमें लीड्स नहीं आ रही, तो वो लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं। पेशेंस होता है कि हमने एक जॉब लेने के लिए, लाइक 10,000, 20,000, 50,000 की जॉब लेने के लिए में हम 15 साल वेट करते हैं, और ऑनलाइन बिजनेस में हमें एक दिन में या एक महीने में लाख रुपए कमाने हैं, राइट? सो मुझे नहीं लगता है जस्टिफाइड है। सो हमेशा हमें पेशेंस रखनी है, मेहनत हर जगह है, राइट? मेहनत आपकी हर जगह लगेगी, बट बिजनेस में क्या होता है, आपको पेशेंस रखनी पड़ती है। रिजल्ट आपको मिलते हैं लेकिन एक टाइम के बाद मिलते हैं, और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन जॉब में वो लिमिटेड होता है, राइट? तो पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी, जब तक कि आपको रिजल्ट ना आ जाए, तब तक नहीं, आपको जब तक करना पड़ेगा जब तक कि आपको रिजल्ट ना आ जाए, राइट? ये एक सिंपल सा फंडा मान लो आप। सेकंड के बाद आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज नेवर गिव अप एटीट्यूड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मेरी लाइफ में इस पॉइंट ने, इस लाइन ने बहुत ज़्यादा मेरे को मोटिवेट करा, जब भी मैं डाउन फील करता था, डीमोटिवेट होता था। एंड आई एम श्योर सभी होते हैं, जब रिजल्ट आपको नहीं आएंगे तब आप डीमोटिवेट होगे, लेकिन ये एक लाइन आपको उस पॉइंट तक भी ले जाती है जहाँ पे आपको रिजल्ट आने लग जाए, राइट? नेवर गिव अप, इसका मतलब होता है कि आपको कुछ भी हो जाए, अगर आपका वाई क्लियर है, आपने सोच लिया कि मेरे को करना क्यों है बिजनेस, पापा के सपने पूरे करने हैं, पेरेंट्स के ड्रीम फुलफिल करने हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है, आईफोन लेना, कुछ भी आपका ड्रीम हो सकता है, अगर आपको पता है मेरा गोल क्या है, मेरा ड्रीम क्या है, इस वजह से मैं कर रहा हूँ, तो आपको गिव अप नहीं करना एट एनी कॉस्ट। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी चेक करने के लिए कि क्या आप एलिजिबल हो उस ड्रीम के लिए, क्या आप सच में चाहते हो, तो आपको अपने आप को प्रूव करना है नेवर गिव अप करते हुए, राइट? आपको गिव अप नहीं करना है, ये लाइन हमेशा आप याद रखना, नेवर गिव अप। इस वजह से आप, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जल्दी गिव अप कर देते हैं, तो उनकी जो सक्सेस है वो उनको नहीं मिल पाती है, जो डिजायर्ड सक्सेस है, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए, कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड नेवर गिव अप। इसके बाद आता है 4th पॉइंट, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, बिज गुरुकुल में एनरोल करे हैं, बट कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को ना ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। शुरू में हो सकता है कोई भी, बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, एंड ये शुरू में हर कोई करता है, डोंट वरी, कि अगर आप भी कर रहे हो तो आप इस चीज़ को ठीक भी कर सकते हो, डोंट वरी, राइट? ये होता है कि हम दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं, हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे तो हम स्पॉन्सर को, कंपनी को, ट्रेनिंग्स को, कुछ ना कुछ चीज़ों को ब्लेम करते हैं, ये चीज़ ऐसी नहीं थी इस वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाया। बट क्या आपको लगता है ब्लेम करने से आपको रिजल्ट आएगा? सोच के देखना, नहीं आएगा, राइट? बिकॉज जो भी एक्सक्यूजेस होते हैं ना हमारे, वो हमें ना एक ऐसे जो सर्कल में रख देते हैं जहाँ पे हम, हमारा कंट्रोल ही नहीं होता, राइट? कि जब भी आप ब्लेम करोगे तो आपका कंट्रोल लूज हो जाएगा उस सिचुएशन पे, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, कुछ करोगे नहीं तो रिजल्ट आएंगे नहीं, राइट? लेकिन अगर आप उसी सिचुएशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि आपके ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं, आपका स्पॉन्सर का काम था आपको बिजगुरुकुल की अपॉर्चुनिटी के बारे में इंट्रोड्यूस करना, दैट्स इट, बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए रात रात जग के पसीनों में, एंड फैन ऑफ है, आप अभी मैं आपको दिखा तो नहीं सकता हूँ, बट फैन ऑफ है सो दैट आपको नॉइज अच्छे से, जो मेरी वॉइस है क्लियर आए, नॉइज कम आए, सो
ऐसे ऐसे एफर्ट डाल के मैं आपके लिए ट्रेनिंग डिजाइन कर रहा हूँ, ये मेरे इंटेंशन है, राइट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आप आगे चल के बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, लाइफ में भी, करियर में भी, बिज गुरुकुल में भी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो सो दैट आपके सामने जो भी चीज़ें आए आप उसका बेनिफिट ले पाओ, राइट। सो आई होप फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। एंड इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप में से बहुत सारे लोग ये चीज मिस्टेक करते होंगे इनिशियली, हो सकता है किसी को पता भी ना हो, दैट इज कि आप कोई भी चीज को लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि अगर आपने द सीक्रेट मूवी नहीं देखी है तो आप वो सीक्रेट मूवी देख सकते हो। द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट एक ऑडियो है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। सो उसमें भी ये चीज बताई है कि अगर आप कोई चीज को बार 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 सोचते हो तो वही चीज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, आकर्षित करते हो, राइट। विच मीन्स कि अगर आप ये सोच रहे हो पूरे दिन मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहे, लीड्स नहीं आ रही, रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे? सेम, कि आपको लीड्स नहीं आएंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे। बट अगर आप इसी का सॉल्यूशन निकालोगे और ये सोचोगे कि कैसे मैं लीड जनरेट कर सकता हूँ, कैसे मैं ज़्यादा रिजल्ट जनरेट कर सकता हूँ, तो आपको सॉल्यूशन भी आने लगेंगे। ये एक प्रकृति का, यूनिवर्स का सिंपल लॉ है। जो भी चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हो उसके बारे में सोचने लगो, आपके थॉट्स वो चीज़ अपने आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। अफर्मेशंस कर सकते हो एंड मैनिफेस्टेशन विजुलाइजेशन कर सकते हो। इन डिटेल में जानना है तो इसकी किक स्टार्ट की एक ट्रेनिंग होती है रोहित शर्मा सर की, हर महीने होती है, वो आप देख सकते हो। एंड मेरी जो ऑडियो मैंने आपको बताया स्ट्रेंजर सीक्रेट, द सीक्रेट मूवी है, वो आप पढ़ सकते हो, राइट। एंड आई होप 5 पॉइंट क्लियर हो गए। इसके बाद आता है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाली है, हाईली सक्सेसफुल, नहीं हाईली हाईली सक्सेसफुल बनने के लिए भी। बिकॉज जितने भी आज के टाइम पे आप टॉप पे लोग देखते हो, मिलेनियर है, बिलेनियर है, विश्व के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क हो गए, बिल गेट्स हो गए, वो लोग भी आज के टाइम पे बुक्स पढ़ा करते हैं, राइट। इलॉन मस्क ने बचपन में ही इतनी ज़्यादा किताबें, इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ ली, इवन उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी भी बुक्स पढ़ के ही लॉन्च कर दी, राइट। तो सोच सकते हो बुक्स में कितनी पावर है। एंड अगर आप ये हैबिट डेवलप कर लेते हो तो आपको नॉट जस्ट बिज गुरुकुल, आपको ओवरऑल लाइफ में इतनी सफलता मिल सकती है जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इवन मैंने ये हैबिट पर्सनली करी है अडॉप्ट, तो इस वजह से मैं आपको इतना ज़्यादा डिटेल में बता पा रहा हूँ। लाइक मैंने अभी तक मोर देन 35 अराउंड मैंने बुक्स, 40 के आसपास मैंने बुक्स पढ़ चुका हूँ इन 2 ईयर्स, एंड 2 भी नहीं, 1.5 ईयर्स, मतलब 1.5 साल हो चुका है मेरे को, उसमें मैंने इतनी बुक्स कंप्लीट कर ली। अभी कैसी करी इसका छोटा सा हैक मैं बताता हूँ, वो ये कि अभी तक मैं क्या करता था, काफ़ी टाइम पहले 1 ईयर तक मैंने क्या किया, फिजिकल बुक्स पढ़ी। अब फिजिकल बुक में मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि उसमें हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, नॉलेज मिलती है एंड टाइम ज़्यादा लगता है। एंड अगर आप इंग्लिश में ऑर्डर करते हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने में भी टाइम लगता है, राइट। प्लस आपके जो बुक्स आती है वो एक बुक 200 400 500 तक की इजीली आ जाती है, 1000 तक की भी। एंड उसको लेने में, ट्रैवल करने में, खरीद के लाने में बहुत टाइम चले जाता है। बट एक सिंपल ऑप्शन जो मैंने अभी अडॉप्ट करा जिससे मेरी स्पीड बढ़ गई है, ज़्यादा बुक्स मेरे को मिल गई है कम कॉस्ट पे भी, और ईजी हो गया मेरे लिए पढ़ना, दैट इज ऑडियो बुक। ऑडियो बुक का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कुकू FM जो मैं यूज़ करता हूँ, एंड जिसका ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है अराउंड 400 रुपीज़, जिसमें आपको सारी अनलिमिटेड बुक्स की समरी मिल जाती है, ऑडियो बुक्स जिसमें आप इतनी मर्जी बुक्स पढ़ सुन सकते हो, एंड बहुत हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है, राइट। सो ये आप कर सकते हो। एंड अभी आप लाइक मेरी कम्युनिटी में हो, मेरी मेंटोरशिप में हो, तो मैं एक छोटा सा और फेवर आपके लिए कर देता हूँ, दैट इज कि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और कोड दे दूंगा, उस लिंक को यूज करके अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो आप अराउंड 50-60% ऑफ मिलने वाला है, एंड उसके बाद अराउंड 200-300 का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा पूरे साल का। जितने में एक बुक आती है उतने में आपको पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा विद अनलिमिटेड बुक्स, राइट। आप जितनी चाहो उतनी बुक्स पढ़ सकते हो। तो ये हैबिट आपको डेली की बनानी पड़ेगी, 30 मिनट का आप बनाओ, 30 मिनट से एक्सटेंड करते हुए 1 घंटा भी बहुत रहता है, 30 मिनट इनफ है, राइट। मैं तो टहलते टहलते इवनिंग में, रात में उसको सुन लेता हूँ, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज सेल्फ एनालिसिस। कि आप में से बहुत सारे लोग
वर्क कर रहे होंगे, काफ़ी सारे टास्क कर रहे होंगे, ट्रेनिंग्स भी देख रहे होंगे, बट स्टिल उनको रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इसके लिए आप क्या ऑप्शन कर सकते हो, दैट इज सेल्फ एनालिसिस, कि आप अपने खुद का एनालिसिस करना स्टार्ट करो कि जो भी ट्रेनिंग में बताया, एक चेकलिस्ट ट्रेनिंग भी बताई है पारस सर ने, वो भी मैं आपको ग्रुप में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप देख सकते हो। उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो क्या क्या टास्क आप कर रहे हो, क्या क्या नहीं कर रहे, तो आपको अपनी गलती पता लग जाएगी। बिकॉज मेन यही होता है कि अपनी गलती पता लग जाए सो दैट आप उसको इंप्रूव कर पाओ। राइट, पता ही नहीं होगा तो क्या चीज इंप्रूव करोगे। राइट, सो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे माइंडसेट के ऊपर। तो माइंडसेट में बस इतना ही मैं आपको कहना चाहूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज बेसिक स्टेप्स। बेसिक स्टेप्स होते हैं जो कि अभी अभी अगर आप एनरोल कर रहे हो, कभी भी एनरोल कर रहे हो, तो आपको विद इन 2-3 डेज के अंदर अंदर ये सारे टास्क कर लेने हैं, और हार्डली 1-2 दिन नहीं लगेगा इसको करने में। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आता है, दैट इज लॉग इन टू योर डैशबोर्ड। मतलब जो भी आपको जैसे आप एनरोल करते हो, आपको ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे भी आजकल नोटिफिकेशन आ जाती है, आपको बता दिया जाता है कि आपका ये आईडी पासवर्ड है, एंड इवन सेम ही होता है ईमेल आईडी आपका और जो पासवर्ड आप पेमेंट करते वक्त डालते हो, वही आपको लॉगिन के वक्त करना है। लिंक मैं दे दूंगा लॉगिन करने का क्या है लिंक, एंड नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में आपको सबसे पहले बिस्कुट रुकुल की डैशबोर्ड गाइड देखना है। वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको सपोर्ट सेक्शन में मिलेगा लॉगिन करने के बाद। डैशबोर्ड गाइड आपको ये बताएगा कि कैसे आपको पूरे डैशबोर्ड के टूल्स को यूज करना है, एफिलिएट प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हो उसके लिए कैसे आपको साइन अप करना है, कैसे आपको बाकी की ट्रेनिंग्स, एफिलिएट लिंक्स, पेमेंट, केवाईसी क्या है, सब कुछ वो सब आपको उसमें बता दिया जाएगा। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ इसके बाद आपको नेक्स्ट बात करनी है, केवाईसी करना है आपको कंप्लीट अपना, एंड केवाईसी इसलिए होती है कि आपको जो भी इनकम यहाँ से करोगे एफिलिएट इनकम, वो आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में विद इन अ वीक आपको ट्रांसफर की जाती है आफ्टर डिडक्टिंग TDS 5% होता है, जो कि गवर्नमेंट को जाता है बिकॉज आप यहाँ पे वाइट इनकम कर रहे हो। राइट, तो आपको अपनी KYC कंप्लीट करनी है। डेमो वीडियो आपको मिल जाएगा KYC सेक्शन में, मैं साइड में शो भी कर दूंगा स्क्रीनशॉट कहाँ पे क्या चीज़ आपको मिलेगी, तो आप उसको भी देख सकते हो। डेमो वीडियोस आप देख सकते हो KYC की, वहीं पे अवेलेबल होगा, तो उससे आपको पता लग जाए कैसे करना होता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज ज्वाइन आर फेसबुक एंड टेलीग्राम ग्रुप्स। टेलीग्राम पर बिजगुरुकुल का ऑफिशियल ग्रुप है, चैनल है, एंड फेसबुक के 2 ग्रुप है, लर्नर्स कम्युनिटी और एक ऑफिशियल ग्रुप, वो दोनों आप ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप में बेसिकली जो भी अपडेट्स होती है, जो भी लोगों के फीडबैक टेस्टिमनीज होती है, एंड कुछ कॉन्टेस्ट भी होता है लर्नर्स कम्युनिटी में, जो भी पार्टिसिपेट कर सकते हो आप, एंड वो सारे कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करके कुछ प्राइजेस भी जीत सकते हो। तो ये सारी चीज़ों की अपडेट आपको मिलेगी टेलीग्राम एंड फेसबुक ग्रुप पे। इसका लिंक्स आपको कम्युनिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा आपके डैशबोर्ड पे ही। नेक्स्ट आता है आपका बिजगुरुकुल प्राइम, कि बिजगुरुकुल प्राइम अभी एक बहुत ही पावरफुल सेगमेंट लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर आप अपनी पैसिव इनकम, एक्स्ट्रा कमीशन, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, एक्स्ट्रा कोर्स आप एक्सेस कर सकते हो, एंड अभी जुलाई मंथ में जो भी लोग एनरोल कर रहे हैं उनको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ भी मिल रहा है। राइट, तो अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो अपना डैशबोर्ड बिजगुरुकुल प्राइम के अंदर। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है, एंड अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर सकता है बिजगुरुकुल प्राइम, बिकॉज ये बहुत ही पावरफुल तरीका है अपनी इनकम को पैसिव इनकम में कन्वर्ट करने का, और लाइफ टाइम एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स, एक्स्ट्रा इवेंट्स, एक्स्ट्रा ऑफर्स एक्सेस करने का। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कस्टमर सपोर्ट एंड लाइव Q&A, कि बिजगुरुकुल में एनरोल करने के बाद आपको कस्टमर सपोर्ट तो मिलता ही है, जिसमें आपको टेक्निकल सपोर्ट हो गया, अगर आपको कोई भी कोर्स एक्सेस करने में, पेमेंट करने में इशू आ रहा है, या फिर अगर आपको एफिलिएट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, एफिलिएट बिजनेस के रिगार्डिंग, या फिर आप कस्टमर हो सिर्फ लर्निंग के लिए आपने कोर्सेज में एनरोल किया है, तो तीनों चीज़ों का कस्टमर सपोर्ट आपको मिलता है। आपको साइड में शो हो रहा होगा स्क्रीनशॉट, ये नंबर है, इस पर आप कॉल करके वर्किंग आवर्स के अंदर आप डाउट्स के अपना सोल्यूशन ले सकते हो। प्लस आपको लाइव Q&A मिलता है, जो भी कोर्स में आप एनरोल कर रहे हो उनकी अगर आपको डाउट्स पूछने हैं तो उनके लाइव Q&A भी कंडक्ट किए जाते हैं, रिकॉर्डेड और लाइव, तो वो अभी आप एक्सेस कर सकते हो लाइव Q&A के अंदर। राइट, सो मैं साइड में स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, इसमें आप देख सकते हो। तो ये थे बेसिक स्टेप्स जो कि हमें एनरोल करने के बाद जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने चाहिए, जिससे हमारे काफ़ी सारे काम बहुत ईजी हो जाते हैं। राइट,
अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एडवांस स्टेप्स। एडवांस स्टेप्स उन लोगों के लिए है जो कि अच्छी खासी इनकम करना चाहते हैं बिजगुरुकुल में या फिर बिजगुरुकुल के थ्रू कोर्सेज के थ्रू, राइट। सो इसमें आपको इन डिटेल में आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें आपके लिए रिकमेंडेड रहेगी। तो सबसे पहला आता है हमारा स्टेप टू सक्सेस सीरीज। ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो कि हर बिगनर को देखनी चाहिए। इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, एफिलिएट कैसे करना होता है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी होती है, लीड कैसे जनरेट करना होता है, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। 7 days की ट्रेनिंग है, आपको सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है और रिजल्ट क्रिएट करना है, सिंपल। नेक्स्ट आता है हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू। ये उन लोगों के इंटरव्यूज होते हैं जिन लोगों ने बिजगुरुकुल में 3 lakh rupees से ज़्यादा की इनकम करी है। वो लोग आपको सारी स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो आप डायरेक्ट उन लोगों से भी सीख सकते हो। नेक्स्ट आता है हाईली रिकमेंडेड ट्रेनिंग, जिसमें आपको जो भी पॉइंटर्स, जो भी मेन की एरियाज होते हैं बिजगुरुकुल के, प्रोफाइल है, लीड जनरेशन है, कन्वर्जेशन है और कैसे आप 10x रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो, उसकी स्पेशल जो ट्रेनिंग से बेस्ट ट्रेनिंग्स है वो बिजगुरुकुल ने इसमें शॉर्टलिस्ट कर दी है। तो आपके लिए इजी हो जाएगा उन सबको देखना, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा। डैशबोर्ड पे आपको सारी ट्रेनिंग की एक्सेस मिल जाएगी ट्रेनिंग वाले पार्ट में, राइट। सो यहां से आप एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मिलेनियर शो। मिलेनियर शो उन लोगों के होते हैं जो जिन्होंने बिजगुरुकुल 25 लाख से ज्यादा 25 लाख से ज्यादा की इनकम करी है एंड उनका इंटरव्यू, उनकी जर्नी, स्ट्रगल, फेलियर सब कुछ उसमें शेयर किया जाता है, सो दैट आपको इंस्पिरेशन भी मिले, प्लस आप उनसे सीखो कि उन्होंने कैसे चीजों को टैकल किया, कैसे रिजल्ट क्रिएट करे, वो सारी चीजें भी आप सीख सकते हो। नेक्स्ट आता है संडे स्पेशल ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग होती है आपकी ओवरऑल ग्रोथ पे, अदर देन बिजनेस कुछ ऐसे सॉफ्ट स्किल्स होती है, टाइम मैनेजमेंट हो, फाइनेंस हो गया, माइंडसेट हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ऐसे टॉप पॉइंट्स पे आपको संडे स्पेशल की ट्रेनिंग भी मिलती है। नाउ इसके बाद आता है नेक्स्ट, जो कि अभी कॉन्टिन्यूस होने लगे है, लाइक दैट इज फेसबुक लाइव सेशन। कि फेसबुक की जो हमारी कम्युनिटी है उसमें भी लाइव सेशन होते हैं जिससे आपको और ज़्यादा वैल्यू मिलती है डायरेक्ट फ्रॉम द CEO, फाउंडर, मैनेजमेंट, राइट। जो भी मैनेजमेंट के जो भी स्टाफ है वो लोग भी आपको गाइड करते हैं, जो भी को फाउंडर है और फाउंडर है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, CEO कंपनी के, वो भी अपनी अपनी नॉलेज आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से शेयर करते हैं। तो ये थे बेसिक से एडवांस पे जाने के स्टेप्स, क्या क्या आपको लेने हैं। अब इसके लिए एक छोटा सा सिंपल फॉर्मूला बताता हूं, दैट इज 1 training a day। आपको एक ट्रेनिंग, बड़ी ट्रेनिंग आपको डेली देखनी है, छोटी वीडियो है तो 2-3 देख सकते हो, बड़ी ट्रेनिंग है तो आप एक ट्रेनिंग हर दिन देखो। उससे क्या होगा, आप जितने भी लगा लो, आप एक महीना देखते हो तो 30 ट्रेनिंग्स आपकी हो गई, 2 महीने देखते हो, इस तरीके से आपको जो नॉलेज होगी ना उसमें बहुत कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलेगा। कंसिस्टेंट आपको देखना है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया। तो एडवांस कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट आता प्लानिंग। अब आपको कोई भी गोल अचीव करना है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे 50,000 क्यों लिया है। आप अगर बिगनर हो आप 10,000 भी ले सकते हो, 20,000 भी ले सकते हो, मैं आपको ओवरऑल प्लानिंग करना सिखाऊंगा, टारगेट आप चेंज कर लो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। 50,000 इसलिए लिया है बिकॉज 50,000 अगर आप हिट कर दे तो मंथ का, तो आपको सुपर 100 एक ग्रुप है बिजगुरुकुल का, उसकी एंट्री मिल जाती है। वो ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसमें कोई भी पर्सन जाता है तो जैसा जाता है वैसा नहीं रहता, राइट। मतलब कि अगर वो पर्सन आज महीने के 10,000 रुपये कमा रहा है या 1 lakh rupees कमा रहा है, वहाँ जाने के बाद वो महीने के ही नहीं, एक हफ्ते के, एक एक दिन के 1 lakh rupees कमाना सीख जाता है। बिकॉज वहाँ पे आपको टॉप अचीवर जो भी है, हाई परफॉर्मर है बिजगुरुकुल के, उन सब की एक्सेस मिलती है, उनसे आप डाउट्स पूछ सकते हो, उनकी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हो, सब कुछ आप उनको अप्रोच कर सकते हो इजीली, राइट। प्लस पारस सक्सेना जो हमारे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, एफिलिएट सपोर्ट हेड है, उनकी भी आपको एक्सेस मिलती है डाउट सेशन के लिए, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, लॉ ऑफ एवरेज आपका होता है 3-5%। अब लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है ये भी बता देता हूँ। लॉ ऑफ एवरेज होता है कि 100 लोगों को अगर आप वेबिनार दिखाते हो, 100 लोगों को, तो उनमें से 3-5 लोग आपके साथ बिजगुरुकुल में बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे लर्निंग के लिए। अब काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा इतना कम क्यों है, बिकॉज देखो क्या होता है, बिजनेस करने वाला जो इंडिया में माइंडसेट है वो अभी इतना नहीं है, राइट। बहुत सारे लोगों में जो जॉब प्रेफर करते हैं, अगर ये चीज़ होती तो शायद इंडिया इतना अनएम्प्लॉयड नहीं रहता। और आजकल हर बच्चा, हर इंसान स्टार्टअप बिजनेस करने की सोच रहा होता और सारे कर रहे होते, इवन सोच तो सबको ही लेता है, राइट। तो ये आपका लॉ ऑफ एवरेज रहेगा। तो आपको फोकस करना है नंबर्स पे, जितने ज़्यादा नंबर्स पे आप खेलोगे उतना रिजल्ट आप इजीली क्रिएट कर लोगे, ठीक है। तो आपको 100 लोगों को वेबिनार दिखाते हो तो 3-5 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं ईजिली, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज लीड। अब आपको कितनी लीड जनरेट करने, लीड्स होती है जो लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे,
कितनी जनरेट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। मंथ का 50,000 हिट करने के लिए इजीली बताऊँ, ब्रांडिंग मास्टरी भी आपके पास है अगर, कम से कम अगर आपके पास फाइनेंस मास्टरी है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, पास सेल आपको चाहिए होगी राइट, तो आपको कम लीड जनरेट करनी पड़ेगी। बट मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ, अगर आपके पास ब्रांडिंग मास्टरी है और 5% का अगर आपका लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है तो 25 आपको सेल चाहिए, 50,000 के लिए 2,000 कमीशन होता है राइट। एंड उसके लिए आपको लीड कितनी चाहिए, 500 लीड्स अ मंथ, 500 लीड एक महीने में, और इजी इसको और ब्रेक डाउन करूं तो 20 लीड, मतलब आपको डेली सिर्फ 20 लोगों को वेबिनार दिखाना है जिनके क्वेरीज है उनके कॉल्स पे लेकर क्लियर करने डाउट्स। इस तरीके से अगर पूरा महीना आप करते हो तो 50,000 का टारगेट आप हंसते हंसते इजिली क्लियर कर सकते हो, हिट कर सकते हो राइट। अब इसका कुछ अकाउंटेबिलिटी चार्ट भी होगा, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर शो कर देता हूँ कि आपको क्या क्या टास्क करने हैं इसके साथ साथ। तो एक अकाउंटेबिलिटी चार्ट आप ग्रुप में ही पोस्ट कर सकते हो, या अपना डेली एक कॉपी पे अपना अकाउंटेबिलिटी चार्ट डेट के साथ बना सकते हो, सो दैट आपको पता हो कि आपने क्या काम करा है एक्चुअल में। बिकॉज कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता यार, हमने पूरे महीने हम सोचते हैं बहुत काम किया लेकिन देखते हैं लीड तो जनरेट ही नहीं करी इतनी राइट। तो आपको अकाउंटेबिलिटी चार्ट हमेशा फॉलो करना है, इससे आपके रिजल्ट हमेशा बढ़ते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे। क्लियर? सो प्लानिंग डन। नेक्स्ट आते हैं मेक मनी। अब बिज गुरुकुल में आप एनरोल करते हो, बहुत सारे लोग होंगे जो लाइक स्किल्स के लिए करते हैं, हो सकता है बहुत सारे होंगे जो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए करते हैं, बट मैं आपको कुछ ऐसे और डिफरेंट तरीके बताने वाला हूँ जिससे नॉट जस्ट एफिलिएट मार्केटिंग, आप और भी तरीकों से इनकम कर सकते हो। सबसे पहला आता है दैट इज फ्रीलांसिंग, बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग हैं लाइक साइड में, मैं अगर कोई टेस्टिमनी होगी तो अटैच कर दूंगा, बहुत सारे लोगों के आप रिजल्ट देख सकते हो फ्रीलांसिंग करके। लोग लंदन में क्लाइंट ले रहे हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग का सर्विस स्टार्ट कर दी उनकी, फ्रीलांसिंग करके इनकम कर रहे हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस है, आप कोई भी स्किल सीखो, सर्टिफिकेशन लो और उनमें 3-4 प्रोजेक्ट फ्री में करके या कैसे भी करके अपना पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो होता है कि किन किन लोगों के साथ आपने काम करा है राइट, उससे क्या होगा आपको और ज़्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे और वो क्लाइंट्स आपको पे करने के लिए भी रेडी रहेंगे ठीक है। तो फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेकंड होता है हाई पेइंग जॉब, कि बहुत सारे लोग हैं, अभी एक रीसेंट एग्जांपल है मैं साइड में अटैच कर दूंगा, दैट इज आर्या, कि एक आर्या हमारे बिजगुरुकुल की लाइक 19 ईयर की एज है इनकी, और इन्होंने अभी एक ऐसी कंपनी में इंटर्नशिप क्रैक करी है इतने सारे इंटरव्यूज देके स्किल्स सीखने के बाद, कि आप सोच भी नहीं सकते पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एंड नंबर वन कंपनी है फाइनेंस वेल्थ मैनेजमेंट की, दैट इज मॉर्गन स्टैनली। अगर आप गूगल पे करोगे आपको इसके बारे में बहुत डिटेल मिल जाएगा। मॉर्गन स्टैनली में इन्होंने 25,000 मंथ का इंटर्नशिप क्रैक करी है, और इंटर्नशिप होता है जॉब से एक छोटा सा सेगमेंट आप कह सकते हो। सोचो अगर 25,000 की इंटर्नशिप है तो जॉब कितने की होगी राइट, और वो भी 2 महीने की तीन की। सोच सकते हो कितने पावरफुल कोर्सेज हैं, इनसे आप अच्छी जॉब भी ले सकते हो। नेक्स्ट आता है अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करना। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो कि खुद के यूट्यूब चैनल से ही मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनीज खड़ी कर रहे हैं। फिजिक्स वाला हो गया, रणवीर लवादिया हो गया, दे आर मल्टीपल्स यूट्यूबर्स राइट, जो कि अपने सक्सेसफुल बिजनेस भी रन करना सीख गए यूट्यूब के थ्रू। तो आप अपनी स्किल को मास्टर करो, वही चीज़ें आप सिखाने लगो यूट्यूब पर वीडियोज़ बना के, कॉन्टेंट क्रिएट करके, तो आप उससे भी बहुत इनकम कर सकते हो राइट। नेक्स्ट आता है अपनी खुद की मार्केटिंग एजेंसी, या कोई भी एजेंसी आप लॉन्च कर सकते हो। हमारे बिस्कुरुगुल में एक हर्ष कोटारी एक पर्सन है, उन्होंने खुद की अपनी एजेंसी लॉन्च करी है और सर्विस देना स्टार्ट करे है, वो भी बहुत अच्छी इनकम यहाँ से करने लग गए हैं इन स्किल्स का यूज करके राइट। बहुत सारे ब्रांड्स उनको अप्रोच करते हैं वीडियो एडिटिंग की सर्विस के लिए, तो उनको सर्विस देखने की वजह से वो आप इनकम करते हैं। सो ये भी एक अच्छा तरीका है इनकम करने का। नेक्स्ट आता है ब्रांड कोलैबोरेशन, कि अगर आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करते हो तो आपको ब्रांड कोलैबोरेशंस भी आएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास अराउंड 2-3 कंपनियों के साथ आ चुका है और मैंने उनके साथ वर्क भी किया है। लाइक फॉर एग्जांपल पेटीएम मनी का आपने नाम सुना होगा, डीमैट एंड स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ऐप है। सेकंड हो गया अपस्टॉक्स के साथ मैंने वर्क किया है, एंड थर्ड हो गया लाइक मोज एप्लीकेशन राइट, शॉर्ट वीडियोस की। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां आपको अप्रोच करती है, ब्रांड कोलैबोरेशन करती है, आपको पे करती है आपके कंटेंट बनाने में और इन चीज़ों पे। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है एफिलिएट मार्केटिंग का, जो कि बिस्कुरुकुल आपको देता ही है। एफिलिएट प्रोग्राम में साइन अप करने के बाद इन्हीं कोर्सेज को आप प्रमोट करके 60-70% तक का कमीशन भी अर्न कर सकते हो। क्लियर? सो ये थे मेक मनी के कुछ पॉइंट्स। आई होप
आपको इस ट्रेनिंग से बहुत अच्छी वैल्यू मिली हो। एंड एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करने वाला हूँ, दैट इज़ कि जो भी ट्रेनिंग्स में मैंने आपको बताया ना, ये चीज़ सब जीरो हो जाएगी अगर आपने कुछ भी आज जाके इम्प्लीमेंट नहीं किया। शुरुआत करो, माना कि आज से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या अपनी हो चुकी है आपकी जर्नी स्टार्ट, और फिर दोबारा से आप कुछ और चीज़ें इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आज से आप कोई भी एक स्टेप पकड़ो, उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। नोट्स बनाए प्रॉपर, तो उनको रिवाइज करते रहना रेगुलर बेसिस पे, बिकॉज मैंने इसमें अपना 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस सारा कुछ डाल दिया। एंड मैंने बिज गुरुकुल में 98% अराउंड ट्रेनिंग सारी देख चुका हूँ, नोट्स बना चुका हूँ, एंड सोच सकते हो कितनी नॉलेज, कितना टाइम एफर्ट आपके मैंने बचा दिए। अगर आप इसी फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हो ना, आप कह सकते हो लाइक महीने का भी 1 लाख रुपए आप इजिली कमा सकते हो। ये सारी मेरा एक्सपीरियंस तो है ही, बट जो भी टॉप अचीवर है, जिनकी मैंने ट्रेनिंग देखी है, जिनको ऑब्जर्व करा है, उन लोगों के भी नॉलेज एक्सपीरियंस मैंने इसमें आपको शेयर करा है। तो बस इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज ऐसा कंटेंट डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है दोस्त। लाइक रात रात भर जग के आपको कंटेंट डिज़ाइन करना पड़ता है, शूट करना पड़ता है, एंड आजकल गर्मी, आप पता ही है समर सीज़न है कितना ज़्यादा, राइट? तो ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बट एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ कि अगर आप इस ट्रेनिंग में से जो भी पॉइंट सीखते हो, तो एक मुझे डिटेल, बिकॉज मेरे एफर्ट्स का मैं आपसे कुछ चार्ज तो नहीं कर रहा हूँ, बट आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, इसका एक बहुत डिटेल फीडबैक, 2-3 लाइन का, 4 लाइन का, आप अच्छा सा फीडबैक बना के कमेंट में कर सकते हो या मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, सो दैट मुझे भी अच्छा लगे कि मेरे एफर्ट्स का अच्छा लोगों को हेल्प हुआ है एंड ये एफर्ट वर्थफुल रहे हैं। सो प्लीज़ आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, जो भी आपने इस ट्रेनिंग से सीखा या किस तरीके से ट्रेनिंग आपके लिए हेल्प करी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग।